बेटा सेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड। सभा प्रवीण, स्वाति, गुड मॉर्निंग अब्दुल। चलिए एक बार रिकॉल करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल जो पढ़ाया था आपको वहीं से हम आगे मूव करेंगे। गुड मॉर्निंग वासु कश्यप, यू टू हैव अ गुड डे डियर। हम एक चैप्टर देख रहे थे, स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी वे कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिनसे हम फूड के प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फूड एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की क्यों जरूरत है। आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई आबादी में सबको भोजन मिल सके इसके लिए हम लोगों को प्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा। तो प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को जरूरत है जेनेटिक्स का सहारा लेना, मॉलिकुलर बायोलॉजी का सहारा लेना, और इसके लेके एक नॉर्मल ब्रीडिंग है और दूसरा म्यूटेशन ब्रीडिंग है, और तीसरा हम बायो फोर्टिफिकेशन बताएंगे। तो हमने कहा कि अक्सर कैसा क्या होता है, हम कहां तक देख चुके थे कि कोई अगर फसल है तो उसमें मान लीजिए उपज ज्यादा है तो उसमें डिजीज रेजिस्टेंस कम है, लेकिन अगर कोई फसल है जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है और उपज कम है, अगर दोनों पौधों को मिला दे तो एक ऐसा पौधा बन जाएगा जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, समझिए। तो उसी दिशा में एक स्टेप देखने जा रहा है, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, यानी डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हम कौन कौन से मेथड हैं। तो आपसे हम कहें कि जो मेथड पहले पढ़े थे क्या वही मेथड यहां भी होगा, चाहे आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना हो या फसल की उपज बढ़ानी है, यील्ड बढ़ाना है, या आपको न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करना है, यानी किसी फसल में प्रोटीन कंटेंट या फैट कंटेंट या विटामिन कंटेंट या मिनरल कंटेंट, अगर ये सब बढ़ाना है तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सेम 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो कल हमने आपको सिखाया था। क्या? स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाट, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, बताया था एंटायर कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन एंड देयर डाइवर्स एलील्स। दूसरा बताया था सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ पेरेंट। तीसरा बताया था क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट, और चौथा बताया था कि जो भी सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है उसको निकालना। पांचवा बताया था टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। तो हमने आपको क्या बताया था, जो भी टेस्टिंग और रिलीज और कमर्शियलाइजेशन करते हैं कब, आफ्टर ग्रोइंग फ्रॉम रिसर्च फील्ड टू फार्मर फील्ड एंड 3 सक्सेसफुल सीजन अंडर आइडियल कंडीशन ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर। अगर पुराने कल्टीवर से जो रिफरेंस कल्टीवर लिया है हमने, जिसको लेके हमने रिसर्च किया है, अगर उससे बेहतर हुआ तो इन्वेंशन क्लेम होगा। सेम चीजें यहां भी लागू होती है। ये देखिए थोड़ा सा जूम कर दें, यस आई थिंक इट्स परफेक्ट। देखिए मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस कह रहा है, ब्रीडिंग इज कैरीड आउट बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स। देखो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक यानी परंपरागत ब्रीडिंग टेक्निक आज से लगभग 9000 से 11000 साल पहले हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग करते आए हैं। अभी ये वाक्य अभी आगे मिल जाएगा आपको। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे ध्यान रखना। पूछेगा कन्वेंशनल ब्रीडिंग, इसी का दूसरा नाम क्या है, आप कहोगे ट्रेडिशनल ब्रीडिंग। ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल होता है, इसे ही हम एंशियंट ब्रीडिंग बोलते हैं। कन्वेंशनल ब्रीडिंग बोले तो, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग बोले तो, एंशियंट ब्रीडिंग बोले तो, एक ही बात समझ लो मेरी बात। इस कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग या एंशियंट ब्रीडिंग में सिर्फ 2 चीजें आती हैं, पहला है वो हाइब्रिडाइजेशन है और जो दूसरा है वो सिलेक्शन है। हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन, सिलेक्शन
जरा वही कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग या एंशिएंट ब्रीडिंग, समझिए जो आज से 9000 से 11000 साल पहले से हम लोग करते आए हैं, उसमें कितने प्रोसेस होते हैं। दो, जो पहला आपकी आंखों के सामने है वो हाइब्रिडाइजेशन है और जो दूसरा है वो सिलेक्शन है, समझिए। तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल या एंशिएंट ब्रीडिंग टेक्निक में कितने स्टेप्स होते हैं। चलिए राजेश मंडल, दो, वेरी गुड। पहला क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या है? सिलेक्शन, समझिए। आगे हम मूव करते हैं। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट इज दैट हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, जो हमने लिखा था अभी। दीज स्टेप्स आर एसेंशियली आइडेंटिकल टू दोज फॉर ब्रीडिंग फॉर एनी अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। कह रहा है ऐसा है, ये हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, ये किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए नहीं है। खेती किसानी से जुड़े हुए, जैसे फसल की उपज हुई, फसल की क्वालिटी हुई, डिजीज रेजिस्टेंट हुआ, सब पे लागू होता है, किसी एक पे लागू नहीं होता। जब किसी एक पे लागू होता तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक, समझना। इसका मतलब ये जो स्टेप्स है, दीज स्टेप्स आर identical to those for breeding of any other agronomic characters। इसका मतलब पूछेगा conventional breeding या traditional breeding या ancient breeding, जरा comment section में जवाब दो। ये बेटा specific है कि non-specific? comment section में जवाब दो। ये specific है कि non-specific? hurry up, I'm waiting। विवेकानंद वर्मा, हेलो। अंजलि कर पाठक, नॉन स्पेसिफिक। और कोई? स्वाति, नॉन स्पेसिफिक। कुंवर गुप्ता, नॉन स्पेसिफिक। वासु कश्यप, नॉन स्पेसिफिक। हर्षित तिवारी, नॉन स्पेसिफिक। राजेश मंडल, नॉन स्पेसिफिक। वेरी गुड, योर आंसर इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर किसी एक एग्रोनॉमिक कैरेक्टर के लिए एप्लीकेबल होता तो स्पेसिफिक होता, ये देखिए ये नॉन स्पेसिफिक है। बेटा भरोसा रखिए, अगर जुटेंगे तो पूरे के पूरे नंबर आएंगे। कोई भी टैलेंटेड अपने मां के गर्भ से पैदा नहीं होता है, यही करना पड़ता है, जुटना पड़ता है और लगना पड़ता है। मैंने क्या बोला? पहली बात, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहते हैं? कन्वेंशनल या कन्वेंशनल ब्रीडिंग या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, एंशिएंट ब्रीडिंग में कितने स्टेप्स हैं? तो आप कहोगे हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन। कहेगा ये जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है वो स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक? तो राइट आंसर क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक है, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी अदर व्हाट एग्रोनॉमिक कैरेक्टर सच एज। यहां पे देखिए लिखा हाई यील्ड, यहां पे क्वालिटी भी हो सकता है, डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है, फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, ऑयल कंटेंट, विटामिन कंटेंट, मिनरल कंटेंट, कोई भी एक एग्रोनॉमिक फीचर्स ले सकते हो। एग्रोनॉमिक फीचर्स का मतलब जिसको हम आर्थिक लाभ के लिए, मानव के कल्याण में अगर उसको हम करें तो हम आगे इवॉल्व कर जाए। द वेरियस सिक्वेंशियल स्टेप, ये जो याद करें कि कौन से सिक्वेंशियल स्टेप्स है वो कितना बड़ा बेवकूफ होगा तुम खुद सोचो। ये कौन है? विवेकानंद वर्मा सर, जेनेटिक्स पढ़ा दीजिए प्लीज। बेटा जो पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के अब दूसरा पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे तो फिर कुछ और पढ़ेंगे। ध्यान से जब भी पढ़ाया जाए तो केवल जो पढ़ाया जाए उसमें फोकस करिए। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो हमारा नंबर तो आपके पास है, 95 32 972 970, फोन कर लीजिए। लेकिन ड्यूरिंग द क्लास क्या है, आप केवल सब्जेक्ट की बात करेंगे। राजेश मंडल, यील्ड का मतलब क्या है? राजेश, यील्ड का मतलब होता है फसल की उपज, पैदावार। यील्ड का मतलब होता है फसल की उपज कितनी है, पैदावार कितना है। ठीक, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक थंबनेल बना के या ओके बना के भेज दीजिए, कोई इमोजी भेज दीजिए। देखिए तो हमने कहा वेरियस सिक्वेंशियल स्टेप्स, जो वेरियस सिक्वेंशियल स्टेप्स है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहें वो कौन कौन से हैं, तो वही पांचों स्टेप्स हैं। स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाच, समझ लो, ये देखो जर्म प्लाच कलेक्शन, ये स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाच, ये हो गया एक। उसके बाद ये देखिए सारे आ रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस के लिए करा रहे हैं तो हम स्क्रीनिंग उन पौधों की करेंगे जिन पौधों में रेजिस्टेंस ज्यादा है।
अगर रेजिस्टेंस के लिए करा रहे हैं तो हम उन पौधों की स्क्रीनिंग करेंगे जिनमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। थोड़ा सा कैमरा एडजस्टमेंट कर लें, थोड़ा सा, चलिए देखो बच्चों सही जा रहा। एकदम सही आ रहा। ओके, तो हमने कहा कि पहला जो है स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाट, तो किन पौधों की जर्म प्लाट को स्क्रीन करोगी? तुम रेजिस्टेंस के लिए करा रहे हो तो रेजिस्टेंस वालों को, फॉर रेजिस्टेंस सोर्स। ये पहला स्टेप देखा आपने। दूसरा जो है पेरेंट को चुनिए, फिर उनको हाइब्रिडाइजेशन करा दीजिए, फिर उसमें सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को चुनिए, उसको इवेलुएट करिए, टेस्ट कर दीजिए और रिलीज कर दीजिए, खत्म। सम क्रॉप वैरायटी ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर हम बोले कि सम क्रॉप वैरायटी या कोई भी क्रॉप वैरायटी अगर हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन से बनी है, अगर कोई भी फसल की जो ब्रेड है, समझिए फसल ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट सिलेक्शन, अगर किसी प्लांट में ब्रीडिंग कराए हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन कराए हैं, तो बताइए म्यूटेशन ब्रीडिंग है कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग? अगर केवल हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन है, अगर केवल हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन है तो हम कौन सी ब्रीडिंग कराए? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, म्यूटेशन ब्रीडिंग की कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग? अंजलि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, गुड। तो जो भी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग कराते हैं पौधों में, वो किसके किससे बचाते हैं पौधों को? किसी भी पैथोजन से, चाहे फंजाई हो गया या बैक्टीरिया हो गया या कोई वायरस हो गया। समझ लो, हमने कहा ये देखो ये कोई प्लांट है, प्लांट, और सुनो ये बैक्टीरिया फंजाई इस प्लांट को, बैक्टीरिया फंजाई और वायरस ये प्लांट को डैमेज करते हैं। तो जो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया फंजाई और वायरस ये इस पौधे को डैमेज करते हैं। क्या करते हैं? डैमेज। अगर ये डैमेज करते हैं तो इनको हम पेस्ट बोलते हैं, पेस्ट। और पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। बहुत काफी महंगा मिलता है पेस्टिसाइड, और कहीं ना कहीं ये जो पेस्टिसाइड होता है वो फूड चेन में आ जाता है और आने वाले दिनों में मानव जाति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा देगा, यानी जो हमारी सर्वाइवल है धरती पे वो मुश्किल हो जाएगी, कि अगर ये फूड चेन में पहुंच गया पेस्टिसाइड तो हमारी बॉडी में आ जाएगा और हम लोगों को तमाम तरह की बीमारियां लग जाएंगी। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे फसल बनाए, चाहे वो गेहूं है या गोभी है या समझिए सरसों है या क्या है मिर्ची है, जिनसे हम कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सके, यानी हमारे को हेल्थ इशू कम हो सके। आप याद रखिएगा, पहले बाहर के देशों से भारत में गेहूं आता था, तो यहां जब चुनावी वादे किए जाते थे तो कहा जाता था तुम दोनों सारे लोगों को दो दो टाइम खाना मिलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस समय ये बात है उस समय की जब खाने को लाले पड़े थे। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात सिर्फ आज से 60 साल पहले की बात है, 1960 का दशक, समझ लीजिए। लेकिन अपने भारत के ही डॉक्टर केसी मेहता, याद रखिएगा डॉक्टर केसी मेहता, मेहता इंडियन ओरिजिन, इंडियन साइंटिस्ट ऑफ इंटरनेशनल फेम, जिन्होंने प्लांट पैथोलॉजी में आप देखेंगे ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ध्यान रखना ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट के लिए, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट के लिए जिम्मेदार एक फंगस था जिसको बोलते पक्सिनिया। पक्सिनिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में जब जाएंगे तो पूरा डिटेल में है, एक ट्रिक भी दिया है, यूटीपीआर उत्तरांचल का प्यार, यूरेडोस्पोर टेल्यूटोस्पोर पिकनियोस्पोर, समझ लो ये स्पोर होते किसके, पक्सिनिया ग्रेमिनी नाम है इसका, पक्सिनिया ग्रेमिनी। तो पूछेगा किससे होता ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, तो आप कहोगे पक्सिनिया ग्रेमिनी, पक्सिनिया
गृहिणी विवेकानंद वर्मा ट्रिक जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप देख लीजिएगा। हमने कहा कि यहां पे एक टेबल याद रखना है, और देखो हर बच्चे को एक टेबल याद होना चाहिए। जैसे हमने कहा गेहूं, अच्छा बताओ बच्चों कैसे याद करोगे, एक सेकंड में याद होगा, जरा देखो। हमने कहा जो भी गेहूं होता है, अच्छा बताओ इस समय गेहूं का मौसम चल रहा है कि धान का, इस समय खेतों में क्या लगा है, गेहूं लगा है कि धान लगा है, एटलीस्ट इतना तो सबको पता ही होगा। कमेंट सेक्शन में जवाब दो भाई। चलिए विवेकानंद वर्मा वीट, कृष्णा राजपूत वीट, सब लोग जान लीजिए ये गेहूं लगा है खेतों में। और जो तापमान कम हुआ है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये तापमान नहीं कम होता तो हमारे किसान और भाई पागल, किसान भाई लोग पागल हो जाते, क्यों, गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। अभी पिछले साल देख लीजिए, चाहे जितना बरसात हुआ है, गन्ने के बेल्ट में जितने लोग होंगे किसी का गन्ना अच्छा नहीं हुआ होगा, वैसे ही गेहूं भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, कटाई भी घर से देना पड़ता, लेकिन कुदरत की मेहरबानी है कि टेम्परेचर ड्रॉप है। इस ड्रॉप टेम्परेचर में गेहूं बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, और गेहूं में फ्लावरिंग अच्छी हो जाएगी, उसमें दाना अच्छा लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, सर्दियों में गेहूं लगता है तो सर्दी को संस्कृत में बोलते हिम, यानी इधर देखो इस समय हिम गिरी ठंडियों में कि गर्मी में, ठंडियों में क्या होता है गेहूं, तो गेहूं की एक वैरायटी कौन सी है, हिम गिरी। तो कोई बोलेगा हिम गिरी किसकी वैरायटी है, तो हर बच्चा बोलेगा सर जी ये गेहूं की वैरायटी है, और हिम गिरी किसके प्रति रेजिस्टेंस देती है, ऐसे ध्यान रखना। सबसे ज्यादा हिम माने क्या होता है, बर्फबारी कहाँ होती है, समतल जमीन पे, पहाड़ों पे पूरा पहाड़ एकदम भर जाता है हिम से, ऐसे ध्यान रखना। हिल बंट की प्लेन बल्ट, हिल बंट पूछेगा हिल बंट किसकी बीमारी है, कहोगे गेहूं की, ध्यान रखना बेटा हिल बंट किसकी बीमारी है, गेहूं की। हिल बंट किसकी बीमारी है, गेहूं की। और यहां पे जो बीमारी है ये देखिए, हिल बंट और रस्ट डिजीज, कौन सा रस्ट है भाई, लीफ रस्ट एंड स्ट्राइप रस्ट, यहां पे तीन डिजीज है, कुछ गधों को एक दिखेगी, बोलेंगे पहली बीमारी लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। अरे ससुर स्ट्राइप रस्ट अलग है, लीफ रस्ट अलग है, हील वंट अलग है, तो गेहूं की जो वैरायटी हिमगिरी बनाए हैं वो किसके लिए, इधर देखो हील वंट स्ट्राइप रस्ट और लीफ रस्ट, हमसे बात करो। हमने क्या बोला, हिमगिरी किसकी वैरायटी भैया, हील वंट किसकी वैरायटी है, समझो हील वंट किसके, किस वैरायटी में रेजिस्टेंस देता है, मतलब गेहूं की कौन सी वैरायटी है जो हिल बंट के प्रति रेजिस्टेंस देती है, हिमगिरी। दूसरा स्ट्राइप रस्ट, तीसरा लीफ रस्ट, सब लोग बोलो जोर से बोलो वहीं से, लीफ रस्ट स्ट्राइप रस्ट हिल बंट, एक बार और लीफ रस्ट स्ट्राइप रस्ट हिल बंट। देखिए मैं बात कर रहा हूं गेहूं के उस वैरायटी की जो हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये वो वैरायटी है जो गेहूं को हिल बंट बीमारी से बचाता है, स्ट्राइप रस्ट बीमारी से बचाता है, और लीफ रस्ट बीमारी से बचाता है। कुछ कह रहा हूं आपसे, इस बात को महसूस करिए। उसके बाद हम अगर बात करें ब्रसिका, ये देखिए सरसों, इसमें आप देखिए पूसा स्वर्णिम, जो पूसा स्वर्णिम है मेरे बच्चों, इसको करण राई बोलते हैं, पूसा स्वर्णिम करण राई, ऐसे ध्यान रखना। ब्रसिका की एक वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, इसी को बोलते करण राई, और ये किस बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस देती है, वाइट रस्ट। तो हिमगिरी किसकी हो गई, हील बंट स्ट्राइप रस्ट लीफ रस्ट, ठीक। अब पूसा स्वर्णिम करण राई ये किसके लिए, व्हाइट रस्ट है, सुनो पूसा स्वर्णिम क्या बोलते हैं, करण राई, और किसके लिए रेजिस्टेंस है, व्हाइट रस्ट, दिमाग में भर लो बात को, व्हाइट रस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं गोभी की, कॉलीफ्लावर समझ लीजिए, फूल गोभी, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबाल, पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबाल जिसको बोलते हैं केवन, पूसा शुभ्रा या पूसा स्नोबाल केवन, इसमें जो बीमारी है ब्लैक रॉट, ये देखो कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, इधर देखो बच्चे, इधर देखो क्या लिखा है, ब्लैक रॉट, ये भी ब्लैक रॉट है। इस बात को जरा समझो, डरो मत, एक ही बार में याद कर लो। देखो हमने कहा ब्लैक रॉट, और यहां भी देखो नॉर्मल ब्लैक रॉट,
या जो दूसरी बीमारी हो सकती है कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, बताइए कौन सी बीमारी है भैया, ब्लैक रॉट या कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ब्लैक रॉट या कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, अभी दिमाग में बैठा लो। पूरे भारत में 16 लाख लोग बैठेंगे, 16 लाख लोगों में 30,000 लोगों को सरकारी सीटें मिलेंगी, समझो 130 करोड़ के देश में जहां पे अपनी जगह बनानी हो बहुत मुश्किल है। अगर सोचेंगे कल करेंगे तो कल लौट के नहीं आता है, डूबना पड़ता है, घुसना पड़ता है। जो भीड़ कर रही है वही हम भी करेंगे, भीड़ के हिस्सा होके खत्म हो जाएंगे। औरों से अलग करो, तुरंत करो, अभी करो। हमने पहली किसकी बात बताई आपको, गेहूं की, कौन सी वैरायटी है भाई, हिमगिरी। किसके प्रति रेजिस्टेंस है, हील बंट, और क्या है, स्ट्राइप रस, और कौन सा है, बोलो बोलो बोलो, लीफ रस। उसके बाद पूसा सोयाबीन, क्या बोलते हैं, करन राई। कौन किस बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस है, व्हाइट रस। फिर तुम्हें एक पढ़ा है, गोभी, क्वालीफ्लावर, पूसा शुभ्रा, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, केवन केवन, और ये किसके प्रति रेजिस्टेंस है, ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, समझो, ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। इस बात को ध्यान से देखो, हमने कहा ब्लैक रॉट तो है ही है, दूसरा ये भी ब्लैक रॉट है, लेकिन कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। उसके बाद देखिए, मैं बात कर रहा हूं काउटी की, काउटी समझ लो, पूसा कोमल, समझ रहे हो, काउटी की कौन सी वैरायटी भाई, पूसा कोमल, और ये किसके प्रति रेजिस्टेंस है, बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज। चलिए, पूसा कोमल किसकी वैरायटी है, काउपी की, हिमगिरी किसकी वैरायटी है, वीट की, पूसा सोयाबीन किसकी वैरायटी है, ब्रसिका की, पूसा शुभ्रा या स्नोबॉल किसकी वैरायटी है भाई, कॉलीफ्लावर की, पूसा कोमल काउपी, पूसा कोमल काउपी, वहीं से चिल्ला फूकते, पूसा कोमल काउपी, ये किसके प्रति रेजिस्टेंस देगा, बैक्टीरियल ब्लाइट, पूसा कोमल काउपी बैक्टीरियल ब्लाइट, पूसा कोमल काउपी बैक्टीरियल ब्लाइट, दिमाग में भर लो। अरे सुनो, ठंडी गर्मी बरसात, सुबह शाम ठेले वाले हर ठेले पे मिर्ची मिलेगी, मिर्ची, क्योंकि मिर्ची सदाबहार है, समझो, पूसा सदाबहार, वो मिर्ची की वैरायटी जिसे पूसा पर सदाबहार करते हैं, वो भाई साहब मोजाइक डिजीज से बचाती है। और लीफ कर्ल, इधर देखो, लीफ कर्ल जरा सुन लो, लीफ रस्ट हिमगिरी, लीफ कर्ल पूसा सदाबहार चिली, जबकि चिली मोजाइक वायरस और टोबैको मोजाइक वायरस, ऐसे ध्यान रखो। ऐ सुनो सुनो सुनो, मोजाइक वायरस लीफ कर्ल, चिली मोजाइक, सुनो ये देखो, चिली मोजाइक, टोबैको मोजाइक, चिली मोजाइक, टोबैको मोजाइक और लीफ कर्ल। दो मिनट देते हैं, पूरा टेबल याद होना चाहिए हर बच्चे को। इसको भी निकालना पड़ेगा क्या, सामान दो, कोई सामान नहीं, ठीक, तो उसको गलाएंगे कैसे, ऊपर में नहीं करता, अच्छा अच्छा करता। उसमें हाइड्रोलिक होगा ना, ठीक, शमसिमरान गुड मॉर्निंग, हर्षित, चलिए अब जरा सब लोग अपने उंगली को एक्टिव हो जाइए, उंगलियों पे एक्टिव हो जाइए भैया, चलिए जल्दी से जरा बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए आप, ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट, कर्ल ब्लाइट और कर्ल ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट किसके प्रति रेजिस्टेंस देता है, इसके प्रति रेजिस्टेंस कौन सी वैरायटी देती है, ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट जो रेजिस्टेंस है, वेरी गुड वासु, कॉलीफ्लावर, वेरी गुड कृष्णा राजपूत, पूसा शुभ्रा, पूसा शुभ्रा या पूसा स्नोफ्लावर,
उषा शुक्रा, उषा सुनोवाल, कॉलीफ्लावर बोलते हैं। चलिए आरती कुंवर, बाकी लोग भैया धीरे पढ़ रहे हैं। शबा प्रवीण, हर्षित, कॉलीफ्लावर। चलिए अच्छा, अगर मान लो चिली मजाक वायरस, टोबैको मजाक वायरस और लीफ कर लेते, तो कौन सी वैरायटी है मिर्ची की? ऋत्विक, वेरी गुड। वासु, पुसा सदाबहार। अंजलि, पुसा सदाबहार। ऋत्विक, पुसा सदाबहार। शमशिबरान, पुसा सदाबहार। आरती, वेल डन। और जल्दी जल्दी, चलिए। कृष्णा, शिवांकी सिंह, कुंवर गुप्ता। चलिए अब आगे, हमें लगता है आपको याद हो चुका होगा, हिमगिरी व्हीट की वैरायटी है जो हील बंट और लीफ रस्ट और स्ट्राइप रस्ट के प्रति रेजिस्टेंस देगी, जबकि व्हाइट रस्ट के प्रति जो रेजिस्टेंस है पूसा सोडियम करन राई ब्रसिका है। पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोब्ला कॉलीफ्लावर की वैरायटी है और ये रेजिस्टेंस देती है ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखो, ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। और काउपी पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट और चिली पूसा सदाबहार, चिली मोजैक वायरस और टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है, और लीफ कर्ल। चलिए वहरहाल, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग एंड कन्वेंशनल ब्रीडिंग के बाद अब हम बात करने वाले हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग की। ध्यान से सुनना, इससे पहले हम म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करें, जब हम कुछ हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग के बारे में कुछ जान लें। चले कन्वेंशनल ब्रीडिंग, अब इससे पहले हम म्यूटेशन ब्रीडिंग बढ़े, हम जरा कन्वेंशनल ब्रीडिंग के बारे में कुछ जान लें। कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रेंड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन दैट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाइड इन वेरियस क्रॉप वाइल्ड वैरायटी। कह रहा है कन्वेंशनल ब्रीडिंग करने से क्या ड्रॉबैक है, देखो क्या ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक माने खामियां, इसी को बोलते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, कन्वेंशनल ब्रीडिंग सीमित है, कंस्ट्रेंड है, क्यों भाई? अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन। कह रहा है आज हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, हम ये नहीं कह रहे हैं, देखो देखो बच्चों, हमारे प्रकृति में हर चीज है, हम नहीं जानते हैं। इंसान धीरे धीरे लालची होता गया, अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी की जान लेना पड़े तो उसमें भी लोग नहीं होते, पीछे हटते, क्योंकि मानसिक तौर पर लोग टूट चुके हैं। भाई साहब, पहले जो हमारे पूर्वज थे वो धन इकट्ठा नहीं करते थे, वो जिंदगी जीते थे, लोगों से मोहब्बत करते थे और नई नई चीजें पता करते थे और लोगों को बताते थे ताकि लोगों में ये चीजें जागरूकता फैले। हमारे प्रकृति में हर बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस जीन है, लेकिन आज हमारे पास सीमित जानकारी है। कितना अच्छा लिखा है, जरा देखो ये क्या कह रहा है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रेंड, कह रहा है जो भी कन्वेंशनल ब्रीडिंग है वो बहुत सीमित है, उसका दायरा सीमित है। क्यों? अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन, यानी जो डिजीज रेजिस्टेंस जीन की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, सीमित है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो कमी है, या कह सकते हैं आइडेंटिफाइड इन वेरियस क्रॉप वैरायटी या वाइल्ड वैरायटी में, यानी वाइल्ड वैरायटी में डिजीज रेजिस्टेंस जीन अगर है भी तो हम पहचान नहीं पाए हैं, जो पहचान पाए हैं वो बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, बहुत कम है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग का सबसे बड़ी खामी क्या है कि जो भी डिजीज रेजिस्टेंस जीन है जो वाइल्ड वैरायटी में होती है उसकी जानकारी हम लोगों को बहुत बहुत कम है, समझो। अब क्या कर सकते भैया, इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट, प्लांट में म्यूटेशन करा के थ्रू डाइवर्स मींस कई तरीकों से। भाई साहब कई तरीके से मतलब म्यूटेशन कैसे कराओगे? एक्सरे करा सकते हो, बीटा रे करा सकते हो, गामा रे करा सकते हो। याद रखना, इसको हम बोलते हैं एक्टिनोबायोलॉजी। व्हाट इज एक्टिनोबायोलॉजी? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन एनी ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ रेडिएशन इफेक्ट, स्टडी ऑफ
रेडिएशन इफेक्ट, स्टडी ऑफ रेडिएशन इफेक्ट। रेडिएशन के इफेक्ट को हम जब स्टडी करते किसी प्लांट और एनिमल पे तो उसको एक्टिनोबायोलॉजी बोलते हैं। इसके जो फादर हैं वो एचजे मूलर हैं। इसके जो एक्टिनोबायोलॉजी के फादर हैं हरमन जोसेफ मूलर, एचजे मूलर, एचजे मूलर। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन एक्सरे हैज म्यूटाजेनिक इफेक्ट। जिस वैज्ञानिक ने पहली बार बताया कि एक्सरे से म्यूटेशन हो सकता है उनका नाम एचजे मूलर है। बट मेरे बच्चों आपको बताएं, आप जितने एग्रीकल्चरल रिसर्च होते हैं उनसे हम एक्सरे का इस्तेमाल कम करते हैं। फसलों में गामा रेज का रेडिएशन हेलीकॉप्टर से किया जाता है या किसी ऐसे एजेंसी से किया जाता है जिससे ह्यूमन एक्सपोजर के चांसेस बहुत कम हो। तो आज एग्रीकल्चरल फील्ड में रेडिएशन यूज किया जाता है वो गामा रेज है। ध्यान रखिएगा, इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट थ्रू डाइवर्स मींस एंड द स्क्रीनिंग प्लांट मटेरियल फॉर रेजिस्टेंस समटाइम लीड टू डिजायरेबल जीन इज बीइंग आइडेंटिफाई। कह रहा है अगर कन्वेंशनल ब्रीडिंग के अलावा हम अगर म्यूटेशन कराने लगे तो हम लोगों को जिस डिजीज रेजिस्टेंस जीन की खोज है वो हम निकाल सकते हैं। प्लांट हैविंग दिस डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी आइदर मल्टीप्लाइड डायरेक्टली आर कैन बी यूज्ड इन ब्रीडिंग। जो भी डिजीज रेजिस्टेंस जीन मिली है उसको आप टिश्यू कल्चर के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हो या डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो। ये ब्रीडर पर डिपेंड करता है। जैसे देखो अपने यहां जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैसे तुम चले जाओ डेवलप्ड कंट्री में वहां पे ब्रीडर्स होते हैं, एनिमल्स ब्रीडर्स, प्लांट ब्रीडर। जो तुम बताओगे हमें ऐसी ब्रीड चाहिए एनिमल्स की तो तुम्हें देंगे, ऐसा पौधा चाहिए, इसके ऐसे फीचर्स चाहिए वो देंगे। तो मुझे तो यार कभी कभी कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि आजादी के बाद अपने युग के महानायक भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बायोटेक पार्क का संस्थापना किया था लखनऊ में और बायोटेक फार्म बायोटेक पार्क बनाया था। उन्होंने पूरे एशिया का पहला बायोटेक पार्क बनाया था और बहुत हाईटेक पार्क बनाने की परिकल्पना करी और उन्होंने स्पीच भी दिया। और आप चाहें तो क्या है कि YouTube पे तो नहीं गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर समय मिले तो एक RTI भी दाखिल कर सकते हैं कि जो वाजपेयी जी ने बायोटेक पार्क में लखनऊ में पैसा दिया था वो पैसा कहां गया, सब खा गए हैं। सब जो भी साइंटिस्ट उसमें काम कर रहे हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आए दिन दो चार दिन में कोई सुसाइड ना कर ले, समझ लीजिए। मतलब आप सोचिए कि देश से फंड रिलीज होता है, देश का प्रधानमंत्री जो है जिस दुनिया में नहीं है उन्होंने कितना बड़ा फंड दिया था बायोटेक पार्क में, ना तो मशीनें काम कर रही है और ना ही वहां पे कुछ काम कर रहा है। अब क्या बोले, क्या हो सकता है इसमें। हम लोग भी है अपनी दुनिया में मस्त है भाई साहब। बहुत भारी भरकम फंडिंग आई थी, वो फंडिंग के बारे में सूचना के अधिकार के तहत डालो तो जवाब नहीं देती है सरकार, सोच लीजिए। ऐसा है यहां पे मुद्दे की बात हम करते हैं क्या कि जो भी ब्रीडिंग होती है वो स्पेसिफिक होती है और बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेके, म्यूटेशन ब्रीडिंग का सहारा लेके हम जैसा चाहे वैसा पौधा बना सकते हैं, है ना। देखिए other breeding method that are used for selection among soma clonal variation and genetic engineering। कह रहा है traditional hybridization के अलावा और क्या हो सकता है भैया। traditional hybridization के अलावा mutation breeding हो सकता है और क्या हो सकता है। देखो सोमा क्लोनल वेरिएशन, जो सोमा क्लोन वेरिएंट है वेरिएशन है इसी को हम बोलते हैं पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, इसी को बोलते हैं पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। तो कह रहा है आज आप बेहतर पौधा बना सकते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग से, म्यूटेशन ब्रीडिंग से, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन से और सबसे अच्छा बायोटेक का सहारा लेके जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ध्यान से समझिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने क्या बोला आपसे, आप बेहतर पौधा हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग के अलावा हम सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोनल आप देख रहे हो पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन से सोमा क्लोनल वेरिएशन। तुम्हें पता है ये टिश्यू कल्चर बोलते हैं, इसको बोलेंगे टिश्यू कल्चर और इसको बोलते हैं हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो एक तरीका थोड़ी ना है, बहुत तरीका है। यानी बेहतर पौधा हम बनाएंगे कैसे, पहला म्यूटेशन ब्रीडिंग, दूसरा कन्वेंशनल ब्रीडिंग, तीसरा पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, चौथा टिश्यू कल्चर, पांचवा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेके, समझ लो। मुद्दे की बात करते हैं आगे, ये देखिए अब हम म्यूटेशन पढ़ने वाले हैं। म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएंट्स आर क्रिएटेड थ्रू चेंज इन बेस। सबको पता है म्यूटेशन क्या है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज, न्यूक्लिक एसिड में किसी प्रकार का अगर तब्दीली कर दिया जाए
अगर चेंज कर दिया जाए तो उसी को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड। चलिए ये बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जिससे जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट हो सकता है म्यूटेशन के अलावा? क्रॉसिंग ओवर, इसे ही क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ये जो था इसी को तो कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन या कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा जो परंपरागत हाइब्रिडाइजेशन के तरीके हैं रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर को छोड़ के, और वेरिएशन किससे आ सकता है? म्यूटेशन से। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिस बदल जाता है। बहुत अच्छे से जेनेटिक्स में पढ़ा चुके हैं आपको। रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर, म्यूटेशन से नए कैरेक्टर आ सकते हैं, अ ट्रेट नॉट फाउंड इन पेरेंटल टाइप। इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू द यूज ऑफ केमिकल और रेडिएशन। तो म्यूटेशन या तो कोई केमिकल यूज करके कर सकते हैं या रेडिएशन यूज करके कर सकते हैं। और रेडिएशन में आपको हमने बोला आजकल कौन सा रे यूज किया जा रहा है बेटा? गामा रे। पहले कौन सा किया जाता था? एक्सरे। अब क्या किया जाता है? गामा रेज। गामा रेज में जो रेडिएशन से रिजल्ट जो मिलते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। एक्सपोजर के बाद उस पौधे को हम सेलेक्टिंग यूजिंग द प्लांट दैट हैव डिजायरेबल कैरेक्टर सच एज अ सोर्स ऑफ ब्रीडिंग, दिस पर्पस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। यानी म्यूटेशन का एक्सपोजर करके, म्यूटाजन का एक्सपोजर करके, म्यूटेशन करा के डिजायर कैरेक्टर को निकाल के अगर उसको आइसोलेट कर ले रहे हैं हम तो पौधे को, उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। और सुनो, अच्छा तुमसे हम बोले, देखो ना, एक होता अरहर की दाल, एक होती है मूंग की दाल। अरहर की दाल, मूंग की दाल, बाकले की दाल, मसूर की दाल, सबसे बेकार दाल किसकी होती है भाई? अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ठीक है, सबसे बेकार दाल किसकी होती है जरा बताइए? शालिनी चंचल, हेलो, हर्षित तिवारी, गामा रे, क्रॉसिंग ओवर, गुड। कृष्णा राजपूत बता रहे हैं मूंग की दाल। अच्छा और कोई क्या? मम्मी से पूछ रहे हैं क्या कि मम्मी बताओ दाल कौन सी बेकार होती है? अच्छा देखो, अपने यहाँ एक बड़ी अजीब सी है कि अगर किसी को लूज मोशन हुआ है या कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो लोग मूंग की दाल देते हैं। अब देखो ऋत्विक बता रहे हैं मसूर, वासु कश्यप बता रहे हैं मूंग खाने में अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, देखो मूंग के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है, तो जब बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो हम मूंग की दाल खाएंगे तो जो जहर डाला है हमने वो जहर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में आता है। बट थैंक टू आवर साइंटिस्ट जिन्होंने मूंग की एक ऐसी ब्रीड बनाई जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट है, जिसे पेस्टिसाइड का छिड़काव ना के बराबर करना पड़ता है। देखो जरा यही सवाल पूछेगा आपके एग्जाम में इन मूंग बीन, समझो सब एक तरफ अकेले ये एक तरफ, समझ लो क्या? ये देखो यही है वो लाइन, यही है वो लाइन जो नीट 2021 का हिस्सा हो सकती है। इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू आर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। चलिए बताइए मूंग बीन के पैथोजन कौन कौन से भैया? येलो मोजाइक वायरस और दूसरी कौन सी बीमारी है भैया? पाउडरी मिल्ड्यू। ये एरिथ्रिया ग्रेमिनी से होती है, एरिथ्रिया फंगस होता है ये। आप देखो पाउडरी मिल्ड्यू और रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस मूंग बीन में कैसे आया है? म्यूटेशन से, समझ लो। अच्छा जब म्यूटेशन नहीं होता था उस समय कुलदीप यादव खिचड़ी की दाल, बेटा खिचड़ी तो जो दाल डाल के मरा वो बन जाएगी यार। अच्छा खिचड़ी की रेपुटेशन ऐसे ही डाउन है, हमारे फ्रेंड है उन्होंने बोला आओ तुम्हें कुछ खिलाते हैं बहुत अच्छी चीज, हमने कहा गए खाने के लिए तो हमने बैठे वहां बोले कि अच्छा तो आज तुम्हें हम खिचड़ी खिलाएंगे, हमने कहा यार बुला के खिचड़ी खिला रहे हैं, बोले नहीं कुछ, हमने कहा चलो देखो। लेकिन कसम से बता रही इतनी अच्छी खिचड़ी बता नहीं सकते, इतनी अच्छी खिचड़ी हमने जीवन में नहीं खाई होगी। तो खिचड़ी की रेपुटेशन भाई साहब डाउन मत करो, खिचड़ी भी अच्छी होती है, बनाने में हुनर होना चाहिए। देखो हमने कहा देखो सेवरल वाइल्ड वैरायटी ऑफ डिफरेंट कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट हैव बीन शोन टू हैव सर्टेन रेजिस्टेंस कैरेक्टर बट हैव अ वेरी लो यील्ड। कह रहा है आज बहुत वाइल्ड रिलेटिव हैं, प्राकृतिक तौर पे पाए जाने वाले पौधे हैं जिनमें यील्ड बहुत कम है, उपज पैदावार बहुत कम है फसल में, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं लगती। कुछ ऐसे हैं जिनमें पैदावार तो बहुत ज्यादा है बट बीमारी लग जाती है, तो दोनों को मिलाओ ना म्यूटेशन ब्रीडिंग से। ये देखो हेंस
There is a need to introduce the resistance gene into high yielding crop variety. चलो बताओ resistance gene को किसमें introduce करेंगे? High yielding. कहाँ करेंगे? High yielding. अच्छा सभा प्रवीण खिचड़ी नहीं खिचड़ा होता है. सही है. चलो कोई नहीं. देखो हमने क्या बोला, जो भी जीन ट्रांसफर करते हैं डिजीज रेजिस्टेंस जीन को किसमें ट्रांसफर करेंगे? हाई यील्डिंग वैरायटी में. एक उदाहरण दे दो रेजिस्टेंस टू. देखो येलो मोजाइक वायरस, इस बात पे ध्यान दे. दो सवाल में प्रेडिक्ट कर रहा हूं नीट 2021 के लिए. ये तो ये भैया वीडियो रहेगी यूट्यूब पे, एग्जाम के बाद मिला लेना. इन मूंग बीन जो भी म्यूटेशन से रेजिस्टेंस लाए किसके खिलाफ? येलो मोजाइक वायरस. अ पाउडरी मिल्ड्यू. इधर देखो जो भी आप येलो मोजाइक वायरस बोल रहे थे, देखो रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस. ये इतने हरामी वायरस है, ये बदतमीज है, ये कमीना है, बहुत कमीना है ये येलो मोजाइक वायरस. क्योंकि ये टारगेट किसको करेगा? मूंग बीन के अलावा भिंडी की. भिंडी तो जानते ही होगे, समझ लो. अब्दुल भाई टारगेट पर फोकस करिए. हमने कहा येलो मोजाइक वायरस किसको नुकसान पहुंचाएगा? भिंडी को कि मूंग को कि दोनों को? तो आंसर होगा दोनों को. येलो मोजाइक वायरस नुकसान पहुंचाएगा भिंडी, भिंडी की मूंग बीन की दोनों दोनों. और दोनों के रेजिस्टेंस दिया गया कैसे? म्यूटेशन ब्रीडिंग. रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस इन भिंडी. भिंडी का नाम क्या भैया? एबेलमोशियस स्कुलेंटस. Abelmoschus esculentus transformed from a wild species and resulted a new variety. इसका नाम है प्रभानी क्रांति. बताओ भिंडी की वैरायटी कौन सी है भैया? प्रभानी क्रांति की सुहानी क्रांति. प्रभानी क्रांति, प्रभानी क्रांति किसकी वैरायटी है? भिंडी की. ये याद रखना, प्रभानी क्रांति. अब देखिए, देखो बच्चे कहते हैं, देखो हम तुमसे कहें, जितना तुम्हारे डाइजेशन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा उतना अकेले स्ट्रेटजी से क्वेश्चन आएगा. लिख सकते हो तो कहीं लिख लो, लिख सकते हो तो कहीं लिख लो. जितना तीन चैप्टर से सवाल नहीं आएगा उतना अकेले एक चैप्टर से सवाल आएगा. जितना पूरे जेनेटिक्स मेंडलिज्म से सवाल नहीं आएगा उतना अकेले सवाल स्ट्रेटजी से आएगा. क्योंकि स्ट्रेटजी बायोटेक, समझ लो अप्लाइड बायोलॉजी है ना, तो बायोटेक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक सबका मिला हुआ ग्रुप है, उसमें हर चीज आता है. इसीलिए ये जो है यहाँ पे सवाल आने के सबसे ज्यादा संभावना है. ये देखिए, इसको हम आपको दो मिनट का मौका देते हैं, हर बच्चा इसको समझने की कोशिश करेगा, उसके बाद हम आपको ये पूरी चीज समझाएंगे. ये भैया जोड़ का झटका बहुत जोर से लगेगा, डेंजर 1000 वोल्ट करंट, समझ रहे हो? बहुत तेज करंट लगेगा, यहां झटका लगेगा भयंकर. इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए. अभी चलना है. घर जाके फिर आओगे? का है? है इसको करके तो जा. देखिए ऑल द अबव एग्जांपल, जो भी तुम्हें ऊपर दिखाया गया ये पूरा समरी है. जो भी तुम पढ़े हो कन्वेंशनल ब्रीडिंग म्यूटेशन ब्रीडिंग जो भी पढ़े हो उसकी पूरी समरी है. ऑल द अबव एग्जांपल जो उदाहरण तुम्हें दिए गए हैं ये क्या है? सूर कब रेजिस्टेंस जीन दैट आर इन सेम क्रॉप स्पीसीज विच हैज टू बी ब्रेड फॉर डिजीज रेजिस्टेंस और इन अ रिलेटेड वाइल्ड स्पीसीज. ये जितने भी उदाहरण तुम्हें दिए गए हैं वो डिजीज रेजिस्टेंस जीन को लेके आए हैं, या उसी वैरायटी से हो या उसके वाइल्ड नेटिव से हो. ठीक, अब उसमें क्या हुआ है जरा समझ लो. यानी जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, यानी ऊपर जितने एग्जांपल दिए हैं उनमें डिजीज रेजिस्टेंट जीन को हमने ट्रांसफर किया है चाहे उन्हीं के प्रजाति से या दूसरे प्रजाति से. तो सवाल कैसे आएगा? एग्जामिनर यहां से करेगा कॉपी और पूरा कर देगा कट और पेपर में कर देगा पेस्ट. क्या
ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंट जीन इज अचीव्ड बाय, तो जवाब होगा क्या, जवाब क्या होगा सवाल का, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंट जीन इज अचीव्ड बाय, तो कहोगे सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। सीधे क्वेश्चन उठाएगा यहां से, क्या ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंट जीन इज अचीव्ड बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। अरे जिसको ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन, भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन समझो, उसके बाद क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टारगेटेड प्लांट एंड सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन। और ऐसा नहीं है, सबसे पहले स्टेप दे देगा कि कैसे, ऐसे देखो ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंट जीन का स्टेप, पहला स्टेप, पहला स्टेप जरा समझना, पहला स्टेप सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा स्टेप सिलेक्शन, और तीसरा स्टेप जो दिया नहीं है डोमेस्टिकेशन। कुछ कह रहा हूं आपसे समझो, हमने क्या बोला, डिजीज रेजिस्टेंट जीन को ट्रांसफर करने के तीन स्टेप होते हैं, अपने जहन में उतार लो चीजों को, समझ रहे हो, बैठा लो अपने दिमाग में बात, अगर किसी पौधे के डिजीज रेजिस्टेंट जीन को अगर ट्रांसफर करना है तो माय डियर स्टूडेंट्स तीन स्टेप्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है और सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन का मतलब किसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और किसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, समझो, और जो तीसरा होता है उसको डोमेस्टिकेट करते हैं, यानी उस पौधे को उगने के लायक बनाते हैं। देखो यार, हम कहते हैं कुत्ता पाला आपने, अच्छी नस्ल का कुत्ता, हाइब्रिड कुत्ता ले आए, उसको सेलेक्ट किए, और उसके बाद कुत्ते को अगर तहजीब ना सिखाओ तो क्या मतलब है यार, वो देसी और उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। जितना जरूरी हाइब्रिडाइजेशन है उतना ही जरूरी सिलेक्शन है और उतना ही जरूरी डोमेस्टिकेशन है। सारे लोग टाइप करिए, सारे लोग टाइप करिए, वहां पे डिजीज रेजिस्टेंट जीन के ट्रांसफर करने के स्टेप्स लिखेंगे, वन हाइब्रिडाइजेशन, टू सिलेक्शन, थ्री डोमेस्टिकेशन, टाइप करिए। देखिए कृष्णा राजपूत, ऋत्विक ने सबसे पहले दे दिया जवाब, बिना बोले लिख दिया, कृष्णा राजपूत पहले ही लिख चुके हैं, सब लोग टाइप करिए, मैं देख रहा हूं, टाइप करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। पहले क्या किए थे हम, आप लोगों के साइड से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता था तो हम भी पीछे हट जाते थे, अगर आपके साइड से थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स मिले, समझ रहे हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। चाणक्य का नाम सुने कि नहीं, जब चाणक्य का अपमान हुआ तो चाणक्य ने क्या कहा था, भीख मांगते हुए भिखमंगे को सम्राट बना दूंगा, और सबसे मंद बुद्धि जो दुनिया के नजर में जिसको मानते थे, सबसे बिल्कुल गया गुजरा जिसको मानते थे, उसको उठा के चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मौर्य वंश का संस्थापना कर दिया। बेटा शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पड़ता है, अगर जुड़ जाओ हम भी जुड़ जाएंगे, मजा आ जाएगा, कसम से जुटिया भयंकर। सब लोग टाइप करिए, मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आप भी पढ़ रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम पास मत करिए भैया। डिजीज रेजिस्टेंट जीन को ट्रांसफर करने में तीन स्टेप होता है, सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब नॉर्मली बोला हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा सिलेक्शन और तीसरा डोमेस्टिकेशन, समझ लो। देखो अगला जो है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस इंसेक्ट पेस्ट। बेटा ये जो तुमको हम करा रहे हैं, ये टॉपिक ऐसा है जिसे नीट में आज तक सवाल नहीं आया है, और नीट यानी ऑल इंडिया पीएमटी जितने नेशनल लेवल के कंपटीशन होते हैं उसमें एक बात बहुत जरूरी होती है, क्या, कि जो पूछ दिया है दोबारा वही नहीं पूछेगा, और जहां से नहीं पूछा है और आपको लगता है कोई सवाल नहीं बनेगा वहां से खूब हचक के पूछेगा। तो हमने क्या बोला, हम चाहते हैं अभी एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा, आप सब कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप फिजियोलॉजी शांति से पढ़ोगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, लेकिन उनसे सवाल कम आएगा। पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं, वो नहीं पढ़ाऊंगा, बट ये जो है बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, ये वो हिस्सा है जहां से नीट से सवाल नहीं आया है, यहां से सवाल खूब फ्रेम हो सकता है,
और अच्छे अच्छे लेवल का फ्री हो सकता है। जरा एक बात बताओ बच्चों, किसी ने क्वेश्चन पूछा राजेश मंडल सर, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन और सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या एक ही है? हाँ राजेश, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन को ही सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है, एक ही है बेटा। चलिए अब हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमने क्या बोला, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई पेस्ट है जो किसी प्लांट को डैमेज करना चाहता है, हमने कहा ये पेस्ट है, ये पेस्ट है, ये प्लांट है, ये पेस्ट इस प्लांट को डैमेज करना चाहता है, इस प्लांट को पता है कि पेस्ट तब डैमेज नहीं कर पाएगा जब पत्ती चिकनी हो जाए, तो पत्ती चिकनी कर लेगा, पत्ती रफ हो जाए तो पत्ती को रफ कर लेगा, यानी पौधा अपने आप को पेस्ट से बचाने के लिए, यानी इस पेस्ट से बचाने के लिए ये पौधा जो है मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल, अरे यार कौन सा बदलाव नहीं, जो तुम सोच सकते हो हर पर बदलाव करेगा, यानी पौधा अपने, देखो ऐसा है जैसे मान लो हम तुमको मारने हैं तो भाग जाओगे, समझो कोई भी एनिमल्स को कोई डैमेज करने आता है तो भाग जाता है, लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है। अगर मान लो कोई प्लांट है, अगर कोई उसको डैमेज करने आ रहा तो भाग तो पाएगा नहीं, प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं, तो अपने बॉडी में बायोकेमिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, यानी पौधा अपने आप को बचाने के लिए अपनी फिजियोलॉजी में परिवर्तन करता है, समझो बात को, अपनी मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन करता है, अपनी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देता है। देखो अनदर मेजर कॉज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूस इज इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। कह रहा है कि बहुत भारी तादाद पे जो फसल बर्बाद होते हैं वो क्रॉप में लगने वाले कीड़े और जो भी पेस्ट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को डैमेज करते हैं, उनके कारण होता है, तो उनसे बचाने के लिए इंसेक्ट से बच, इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट में भी ड्यू टू, यानी जो भी पौधों में रेजिस्टेंस आता है अपने आप को पेस्ट से बचाने के लिए, पहला मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है यानी हमने एक्सटर्नल फीचर में बदल दे, बायोकेमिकल यानी जो अंदर एस्पार्टिक एसिड, आप देखोगे नाइट्रोजन कंटेंट, शुगर कंटेंट, इसको अल्टर कर सकता है बायोकेमिकल, यानी बायोमोलिक्यूल्स बदल दे अपना, तीसरा अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर ले, याद रखना। तो कोई भी पौधा अपने आप को डैमेज होने से तीन तरीके से बचा सकता है, मॉर्फोलॉजिकल की, बायोकेमिकल की, फिजियोलॉजिकल की, तीनों मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल तीनों। अब जरा समझना, हमने कहा हेयरी लीफ, ये देखो हेयरी लीफ इन सेवरल प्लांट आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट, समझो कह रहा है कुछ पौधों में हेयरी लीफ अपने पत्तियों के ऊपर बाल के जैसे रेशे क्रिएट करने से जो पौधा होते हैं अपने आप को बचा ले जाते हैं, समझो बात को, हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। अब जैसे हमने कहा, ये देखो एक पौधा है कॉटन, कॉटन तो कॉटन, जैसे हमने कहा जो कॉटन है COTTON कॉटन, इसके दो दुश्मन हैं, सबसे पहला जसिया है, जसिया, अरे ससुर जसीड, इसका पूरा नाम है जसीड, और दूसरा होता है बोलवॉर्म, BOWL बोलवॉर्म, बोलवॉर्म। बताओ बच्चों कॉटन के कितने दुश्मन, दो, बोलवॉर्म और जसिड। कॉटन अपने आप को जसिड से बचाने के लिए हेयरी लीफ कर देती है, हेयरी लीफ, हेयरी लीफ, अगर कॉटन की पत्तियां हेयरी हो जाएं तो कौन नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, जसिड, जसिड, जसिड किसका पेस्ट है, कॉटन का। बताओ वहीं तो सारे लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉटन के हैं दो दुश्मन, जसिड और बोलवॉर्म। चलो बताओ कॉटन के कितने दुश्मन, जसिड और बोलवॉर्म, बताओ वहीं से, बताओ कसी जो भी कॉटन के कितने दुश्मन है वहीं से बोलो, जसिड और बोलवॉर्म, बताओ बच्चों। हमने कहा कॉटन के कितने दुश्मन, जसिड और बोलवॉर्म, समझो। तो कॉटन अपने आप को जसिड से कैसे बचाएगा, हेयरी लीफ करके, लेकिन यही पत्ती अगर चिकनी हो जाए, स्मूथ लीफ, और इसके साथ साथ नेक्टरलेस
यानी उसमें जो नेक्टर होता है, नेक्टरलेस, नेक्टर क्या होता है भैया, ये फ्लोरल रिवार्ड होते हैं पॉलिनेटर्स को बुलाने के लिए ताकि पॉलिनेशन कराए, समझो। तो स्मूथली बट नेक्टरलेस कॉटन, याद रखिएगा, ये बचाते हैं कॉटन को बोलवर्म से, और हेयरी लीफ किससे बचाता है, जसीड से। तो जैसे मान लो हमने बताया कॉटन को, वैसे ही आपसे अगर हम कहीं, वैसे ही हम अगर आपसे कहीं क्या है, वीट, गेहूं, वीट, तो इसके भी दो दुश्मन हैं गेहूं के, ऐसे याद रखना। सीरियल लीफ बीटल, सीरियल लीफ बीटल, सीरियल लीफ बीटल और सॉफ्टफ्लाई, सॉफ्टफ्लाई, बताओ गेहूं के कितने दुश्मन, सीरियल लीफ बीटल और सॉफ्टफ्लाई, जोर से बोलो बच्चों, गेहूं के कितने दुश्मन, दो, सीरियल लीफ बीटल और सॉफ्टफ्लाई। ध्यान से सुनना, जो सीरियल लीफ बीटल है गेहूं में, ये कैसे रेजिस्टेंस आता है, हेयरी लीफ, यानी हेयरी लीफ यानी पत्ती के ऊपर हेयर आ जाए तो अपने आप को वीट और कॉटन दोनों बचा सकते हैं। वीट अपने आप को हेयरी लीफ से, जसिड से बचा लेता है, जबकि वीट जो होता है हेयरी लीफ के कारण अपने आप को सीरियल लीफ बीटल से बचाता है। अपने जेहन में उतार लो चीजों को, सीरियल लीफ बीटल से बचाता है, जबकि जो भी गेहूं का स्टेम है सॉलिड स्टेम, यानी अगर हम स्टेम जो हॉलो होता है उसको सॉलिड स्टेम करें तो सॉफ्टफ्लाई उसको डैमेज नहीं करती है। यानी कॉटन के हैं दो दुश्मन, जसीड और बोलवर्म। कॉटन अपने आप को जसीड से कैसे बचाता है, हेयरी लीफ से। कॉटन अपने आप को बोलवर्म से कैसे बचाता है, स्मूथ लीफ एंड नेक्टरलेस कंडीशन। उसी तरह से वीट के किसने दुश्मन है, दो, सीरियल लीफ बीटल और सॉफ्टफ्लाई। सीरियल लीफ बीटल से गेहूं अपने आप कैसे बचाएगा, हेयरी लीफ, और सॉफ्टफ्लाई कैसे से कैसे बचाएगा गेहूं अपने आप को, सॉलिड स्टेम बना के। अब सुनना, अगर हम बात करें कॉर्न में, कॉर्न का मतलब क्या होता है, मेज, समझ लो। अगर हम बात करें मेज मक्के में, कॉर्न में, CORN, कॉर्न, कॉर्न माने मक्का, कॉर्न माने मक्का, हमने कहा कॉर्न, कॉर्न का मतलब मक्का। जो भी कॉर्न है इसका एक दुश्मन तुमको पढ़ना है, उसका नाम है स्टेम बोरर, स्टेम बोरर। और स्टेम बोरर से कॉर्न माने मेज, मक्का, समझो, मक्का का एक दुश्मन स्टेम बोरर। इसे मक्का अपने आप को कैसे बचाएगा, मक्का अपने आप को कैसे बचाएगा, सुनो, ये क्या करेगा, अपना जो एस्पार्टिक एसिड होता है, एस्पार्टिक एसिड, ये बढ़ा लेगा, एस्पार्टिक एसिड हाई कर लेगा, बाकी सब लो कर लेगा, क्या, नाइट्रोजन और शुगर, नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट कम, शुगर कंटेंट कम, तो कॉर्न यानी मक्के को कौन नुकसान नहीं पहुंचाएगा, स्टेम बोरर। तो यहां पे आप देख रहे हो एक तरह से बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन है, या फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पे देखिए कॉटन ने अपने आप को, ये देखिए मॉर्फोलॉजिकल, और ये देखिए ये भी मॉर्फोलॉजिकल, ये देखिए फिजियोलॉजिकल, यानी कभी कभी पौधे को मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन भी करना पड़ता है, समझिए। यानी मेरे बच्चों, हमने आपको तीन चीजें पढ़ाई। सबसे पहली चीज पढ़ाई आपको क्या, कि कॉटन अपने आप को कैसे बचाएगा। फिर हमने आपको एक चीज पढ़ाई क्या, कि अपने आप को गेहूं कैसे बचाएगा। फिर हमने आपको बताया मक्का किसने बताएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते, तुम बहुत छोटे हो, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है। जब ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है तो हम क्या है, आपको उसी लेवल का पढ़ाएंगे। हमने कहा, जरा समझो, जैसे हम कहें अगर आपसे कि हमने आपको सबसे पहले कॉटन के बारे में बताया, हमने सबसे पहले आपको कॉटन के बारे में बताया, फिर उसके बाद हमने वीट के बारे में बताया, वीट, फिर हमने आपको उसके बाद कॉर्न के बारे में, कॉर्न को ही हमने कहा कि हम मेज कहते हैं, मेज, जरा समझिएगा, हमने कहा कॉर्न को ही हम मेज कहते हैं। तो ये देखिए, हमने कहा जो भी कॉटन है, कॉटन है, हमने कहा जो कॉटन है,
जो कॉटन है उसके दो दुश्मन है, सबसे पहला जसीड, जो दूसरा है वो बोलवॉर्म। वीट के, जो भी वीट आपको पढ़ा है, इसके दो दुश्मन है सीरियल लीफ बीटल जो दूसरा है वो सॉफ्टफ्लाई। कॉर्न या मेज का स्टेम बोरर, देखिए हमने कहा जसिड, महेंद्र कॉटन। अब जवाब है मेरा, सब लोग जरा टाइप हाथ सेट कर लीजिए भयंकर जरा। सबके हाथ सेट हो गए भाई, हरी अप। सबके हाथ सेट हो गए, चलिए आई थिंक एवरीवन इज रेडी। जरा बता दीजिए कॉटन अपने आप को जसीड से कैसे बचाता है। पहला जवाब आया राजेश मंडल, दूसरा कृष्णा राजपूत, अंजलि कर पाठक, शिवानी, महेंद्र सिंह, आरती कटियार, कुंवर गुप्ता, वासु कश्यप, ऋत्विक कुमार सिंह, हेरी लीव। वेल डन। तो मैं लिखता हूं हेरी लीव, हेयर रिलीफ। चलिए अगला सवाल, हरी अप, अगला सवाल। शिखर अवस्थी आया हेयर रिलीफ, अब्दुल वारसी हेयर रिलीफ, शिवांकी सिंह हेयर रिलीफ, कृष्णा राजपूत बोल वॉर्म स्मूथ। ये क्या है? अच्छा पहले ही टाइप कर दिया बेटा, कौन सा क्वेश्चन देखा, फंस गए कृष्णा कंचन व्यास हेयर रिलीफ। चलिए अगला सवाल, वीट अपने आप को सॉफ्टफ्लाई से किससे बचाती है। हरी अप, सॉफ्टफ्लाई से वीट अपने आप को कैसे बचाएगी। पहला सवाल आया शिवानी, वेरी गुड, कुंवर गुप्ता, राजेश मंडल, कृष्णा राजपूत, आरती कटियार, महेंद्र सिंह सॉलिड स्टेम, स्वाति सॉलिड स्टेम, वेरी गुड, योर आंसर इज एब्सोल्युटली फाइन, सॉलिड स्टेम, सॉलिड स्टेम। चलिए अगला सवाल है, गेहूं अपने आप को सीरियल लीफ बीटल से कैसे बचाएगा। जल्दी हरी अप, वासु कश्यप, आरती कटियार, कृष्णा राजपूत, शिवानी, हेयरी लीफ, वेरी गुड हेयरी लीफ। चलिए ये भी हो गया हेयरी लीफ। तो एक बात बताइए, हेयरी लीफ जो है वो प्रोटेक्शन देगा कॉटन को कि वीट को, कि दोनों को? दोनों को। कॉटन से किससे प्रोटेक्शन देगा, किसे बचाएगा? जसीड से, और वीट में सीरियल लीफ बीटल से। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कहें आपसे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, तो आप कह सकते हैं कि सर ये है यहां पे प्लांट का नाम लिखा है, प्लांट का नाम, और यहां पे आप देखेंगे ये पेस्ट है। ये क्या है? पेस्ट। ये जो है पीईएसटी, पेस्ट, पेस्ट वो होता है जो प्लांट को डैमेज करता है, पेस्ट।
यानी ये सब प्लांट के नाम लिखे हैं, ये सब पेस्ट के नाम लिखे हैं, ठीक। और ये सब क्या है, एडाप्टेशन है, कि किसने कौन सा एडाप्टेशन किया, किसने कौन सा एडाप्टेशन किया है। तो आपके सामने बेटा इसको हम बहुत प्यार से करा रहे हैं, क्योंकि अभी तक नीट में नहीं आया था, यहां से सवाल खूब आएगा, आएगा तो गलत हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द लोगों की, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं आपको। हमने कहा कि बोल वॉर्म से कैसे बचाएगा अपने आप को पौधा, चलिए बताइए, बोल वॉर्म से। कृष्णा राजपूत, शिवानी, स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस, स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस, स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस, नेक्टरलेस कंडीशन। चलिए अब लास्ट बताया है मेजर्स को स्टेम बोरर से बचाने के लिए क्या करेगा भाई, अब आ रहे लोगों के जवाब, अब्दुल, महेंद्र, कुंवर, ऋत्विक, स्वाति, आरती, कंचन, आया अंजलि का जवाब सबसे पहली बार, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन, लो सुगर। अंजलि के बाद शिवानी, कुंवर भाई स्टेम बोरर तो पहले ही लिखा जा चुका है, शिवानकी गलत हो गया, स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस बॉलवर्म है भाई, हम ये पूछे हैं कॉर्न में स्टेम बोरर से, स्टेम बोरर से अपने आप को कॉर्न कैसे बचाता है। वाशु सही जवाब, स्वाति, ऋत्विक, हाई, देखो इसमें क्या होगा, हाई क्या, एस्पार्टिक एसिड, हाई एस्पार्टिक एसिड, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन, लो सुगर। बेटा ध्यान से देखिएगा, हमने तीन पौधों के बारे में आपको बताया है, हमने कितने पौधों के बारे में बताया, तीन, कॉटन, व्हीट और कॉर्न, हमने ये देखो एक दो तीन चार पांच, तीन पौधे, तीन, थ्री प्लांट्स फाइव पेस्ट, यानी आई हैव डिस्कस्ड क्या है, थ्री प्लांट फाइव पेस्ट, एंड ये देखिए सो मेनी एडाप्टेशन, मे बी मार्फोलॉजिकल, मे बी बायोकेमिकल, मे बी फिजियोलॉजिकल। तो ये सारी चीजें बेटा हमने आपको करा दी। अब देखिए ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप एज दिस इन एरी एग्रोनॉमिक ट्रेट यील्ड या क्वालिटी। आपको पता ही है जो भी ब्रीडिंग मेथड होता है वो स्पेसिफिक होता है कि नॉन स्पेसिफिक, लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था कि जितने भी ब्रीडिंग मेथड होते हैं ऐसा नहीं है कि हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग है, वो नॉन स्पेसिफिक है, सब पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप्स दोज फॉर एनी अदर एग्रोनॉमिक ट्रेट सच एज यील्ड या क्वालिटी और डिस्कस कर लिए जो कह रहे कर चुके हैं। सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन, सोर्स ऑफ भैया, सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन में भी कल्टीवेटेड वैरायटी या जनप्लांट कलेक्शन ऑफ द क्रॉप या वाइल्ड रिलेटिव, यानी रेजिस्टेंस जीन कहां से मिलेगा, जनप्लांट कलेक्शन से या जनप्लांट स्क्रीनिंग से। अब सम रिलीज क्रॉप वैरायटी बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, कुछ दिए हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन से बने हुए पौधे जो आपको जानने हैं, ठीक। पहला देखिए लिखा ब्रैसिका, ब्रैसिका इसको बोलते हैं रेप सीड मस्टर्ड, रेप सीड मस्टर्ड, और इसकी वैरायटी है पूसा गौरव, और ये किसके प्रति रेजिस्टेंस देता है, एफिड्स, एफिड्स। तो बताइए क्रॉप क्या है, ब्रैसिका, इसी को क्या बोलते हैं, रेपसीड मस्टर्ड, वैरायटी क्या है, पूसा गौरव, पूसा गौरव बताओ किसकी वैरायटी है, ब्रैसिका की, पूसा गौरव किसकी वैरायटी है, बोलो ब्रैसिका की, किससे रेजिस्टेंस देगा, एफिड्स। जबकि फ्लैट बीन इसको बोलते हैं पूसा सेम टू, पूसा सेम थ्रू, और देखो जसिड एफिड फ्रूट बोरर, ठीक। फ्लैट बीन के कितने पेस्ट है भैया, जसिड एफिड फ्रूट बोर, जसिड एफिड फ्रूट बोर, बोलो वहीं से, जसिड एफिड फ्रूट बोर, बोलो वहीं से, जसिड एफिड फ्रूट बोर, बोलो बोलो,
जर्सी रेफिड फ्रूट बोरर, ओए ओखरा भिंडी, इसको बोलते हैं पूसा सवानी या पूसा ए फोर, पूसा सवानी या पूसा ए फोर। देखो शूट बोरर या फ्रूट बोरर, ओखरा भिंडी, भिंडी में देखो, भिंडी में तुम खुद सोचो, भिंडी जो खाते हो तो डैमेज करता है, उसका स्टेम का एपिकल पार्ट भी डैमेज कर देता है। शूट बोरर की, फ्रूट बोरर की, दोनों दोनों। तो पूसा गोरो किसकी वैरायटी है भाई? ब्रसिका की। किसके प्रति रेजिस्टेंस है? एफिड्स के। जबकि फ्लैट बीन पूसा सेम टू और पूसा सेम थ्री, पूसा सेम टू और पूसा सेम थ्री। इसके दुश्मन जर्सीडिया फिट फ्रूट बोरर, ओखरा क्या है? भिंडी, पूसा सवानी, इसी को बोलते हैं पूसा ए फोर, शूट एंड फ्रूट बोरर। कौन सा बोरर है? शूट और फ्रूट बोरर, शूट और फ्रूट बोरर। देखिए तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, एक बार खूब अच्छे से पढ़ लेना, रात में फिर लाइव आऊंगा। थोड़ा सा दो तीन महीना मेहनत कर लो भैया, दो तीन महीना मेहनत कर लो, बहुत अच्छा वक्त है, वक्त दो, वक्त बदल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अभी हमारी ऑफलाइन क्लास है तो ऑफलाइन क्लास के लिए जा रहे हैं, ढाई बज गया क्या? क्या टाइम हो गया? अच्छा 12:30 हो गया। चलो हम अभी बेटा ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास ले लें। अच्छा देखिए ऐसा है कि जब भी मैं पहले से डिसाइड हम नहीं करेंगे, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। मान के चलिए कि ये तो 6:30 बजे टाइम आएंगे, नहीं तो 11 बजे तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये तो 6:30 पे है या 11 बजे आए, या दोनों ही आ सकते हैं, हम देखेंगे फिर बताएंगे आपको टाइमिंग। बेल आइकन दबाए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको पहुंच जाता होगा नोटिफिकेशन। फालतू के यूट्यूब पे नूरा फतेही के डांस देखने से बढ़िया बायो पढ़ लो यार। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, हैव अ फैंटास्टिक डे, हैव अ गुड संडे टू ऑल ऑफ यू, कैच यू सून।